Please click on subscribe button, press the bell icon and do like, comment and share. नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिनोरिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आइडिया इंग्लिश सीओर में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं एक्टिव बॉयज़ और पैसिव बॉयज़ के बारे में। ये एक्टिव बॉयज़ पैसिव बॉयज़ का पार्ट नंबर 3 है। इस एक्टिव बॉयज़ पैसिव बॉयज़ की पूरी सीरीज़ आप देखते रहिए। इसमें हम एक्टिव बॉयज़ पैसिव बॉयज़ को पूरा डिटेल में समझ रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट में हमने एक्टिव बॉयज़ की पहचान क्या होती है, उनके टेंस के रूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से ट्रांसिटिव वर्ब को चेंज किया जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इस तरह की कुछ बेसिक बातें हमने बात की हैं। आज के इस पार्ट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं एक्टिव बॉयज़ पैसिव बॉयज़ के सेंटेंस को आपस में किस तरह से आपको चेंज करना होगा। पहली चीज़ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं, एक्टिव बॉयज़ और पैसिव बॉयज़ के अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर। जो अर्थ एक्टिव बॉयज़ का होता है बिल्कुल वही अर्थ किसका होता है, पैसे बॉयज़ का होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव है तो पैसे बॉयज़ भी एफर्मेटिव आएगा, एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसे बॉयज़ भी कैसा आएगा, एक्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसे बॉयज़ भी, एक्टिव सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसे बॉयज़ भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा। यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई WH वर्ड, जिसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं, अगर उसके साथ वो आया है तो पैसे बॉयज़ में भी WH वर्ड आएगा। यानी जो फॉर्म एक्टिव का होगा वही के वही फॉर्म पैसे बॉयज़ में भी होगा, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। आइए हम इसमें कुछ सेंटेंस को समझते हैं। शी प्लेज टेनिस, शी प्लेज टेनिस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ये समझने के लिए हमने बहुत आसान सेंटेंस लिखा है। इसको समझ लेंगे तो आगे की चीज़ें अभी हमारे लिए आसान हो जाएंगी। शी प्लेज टेनिस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये आप सबको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये पता ही है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, ये एफर्मेटिव है। अगर ये सेंटेंस एफर्मेटिव है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पैसे बॉयज़ भी एफर्मेटिव में आएगा। रूल वही रहेंगे जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टेनिस। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने के कारण टेनिस के साथ एज लगाएंगे अपन, टेनिस एज। नंबर 3 रूल क्या है, ओके, प्लेड, मैन वर्ब की 3rd फॉर्म, प्ले की 3rd फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। नंबर 4 रूल क्या है, अदर वर्ड लिखते हैं। इस सेंटेंस में अगर लिखा होता शी प्लेज डेली, शी प्लेज टेनिस डेली, तो डेली यहाँ आ जाता। शी प्लेज टेनिस इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग आ जाता। शी प्लेज टेनिस इन द स्कूल, तो इन द स्कूल आ जाता। इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो हमें पैसिव बॉयज़ में भी अदर वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट रूल है बाई प्लस एजेंट का यूज़ करेंगे। इसका बाई प्लस एजेंट क्या होगा, बाई हर, टेनिस इज प्लेड बाई हर। मान लीजिए अगर ये शी प्लेज टेनिस के स्थान पर सेंटेंस आपका होगा शी डज नॉट प्ले टेनिस। अब इस सेंटेंस में जब डज नॉट का यूज़ हो गया तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है टेनिस, रूल वही रहेंगे टेनिस। सेकेंड रूल है टेंस के रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एज लगा दिया। अब हमें याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस का रूल, आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सामान्यतः सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे टेनिस इज नॉट, यहाँ पर डज के बाद नॉट लगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एज, तो एज के बाद नॉट लगाएंगे, टेनिस इज नॉट। प्ले की 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। टेनिस इज नॉट प्लेड बाई हर। आखिरी रूल है एजेंट का प्रयोग करेंगे, तो आंसर हुआ टेनिस इज नॉट प्लेड बाई हर। इस सेंटेंस का अर्थ है शी डज नॉट प्ले टेनिस, वह टेनिस नहीं खेलती है। इसका अर्थ हुआ टेनिस उसके द्वारा नहीं खेला जाता है। यहाँ पर फोकस में शी है, यहाँ पर फोकस में टेनिस है। तो इस तरह से आपको नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में ही उसको चेंज करना पड़ेगा। यदि हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में यदि हम चेंज करते हैं तो इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होगा डज शी, डज शी प्ले टेनिस, ओके।
ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब एक्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो याद रखना पड़ेगा पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टेनिस। रूल वही है जैसे होते हैं, पहला रूल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है टेनिस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल भी आपको पता है, इंट्रोगेटिव में जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस का होता है उसके रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और शुरू में लिखी जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के पहले क्या आएगा, डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टेनिस, और इसको पैसिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करें, इज एम आर का, इसलिए यहाँ पर आपको इज को पहले लिखना पड़ेगा, इज टेनिस। इज टेनिस प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेट, बाकी रूल वैसे रहेंगे, अदर वर्ड है नहीं। इज टेनिस प्लेट बाई हर, और चूंकि इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं तो उसका भी यूज़ ज़रूर करना है। ये आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ है क्या वह टेनिस खेलती है, इसका अर्थ है क्या टेनिस उसके द्वारा खेला जाता है। यहाँ पर हम महत्व दे रहे हैं टेनिस को, टेनिस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन सी के बारे में कि डज शी प्ले टेनिस, क्या वह टेनिस खेलती है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या टेनिस वह खेलती है या क्या टेनिस उसके द्वारा खेला जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस है टेनिस का तो हमें टेनिस को लेना पड़ेगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है शी का तो हमें शी को कहना पड़ेगा। यदि इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में हम चेंज करें तो क्या होगा, डज शी नॉट प्लेड टेनिस। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट आता है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट चूंकि पैसिव वॉइस में टेनिस है, जिसको आपने यहाँ पर सब्जेक्ट माना है टेनिस, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। सेम वही रूल अप्लाई करना है, इज टेनिस नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड बाई हर। एजेंट भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, एजेंट टेनिस प्लेड बाई हर। जो बेसिक रूल हैं उनमें किसी तरह, डज शी नॉट प्ले टेनिस क्या होगा, इज टेनिस नॉट प्लेड बाई हर, क्लियर है वाला। चलिए कुछ और सेंटेंस समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको ये चेंज करने होंगे। जैसे ये सेंटेंस है, दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, ओके। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको मालूम है, सबसे पहले हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, ओके। पहला रूल आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ओके, हमने लिखा फ्लावर्स। सेकेंड रूल है, टेंस के रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी आएगी, वॉज वर्ब। फ्लावर्स सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर के साथ क्या आएगा, वर्ब। अब एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है, नॉट लगा, यहाँ डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर नॉट किसके साथ आ जाएगा, वर्ब के साथ। फ्लावर्स वर नॉट प्लग की थर्ड फॉर्म, प्लग्ड, फ्लावर्स वर नॉट प्लग्ड एंड बाई प्लस एजेंट क्या है, दे का, देम। फ्लावर्स वर नॉट प्लग्ड बाई देम, ये सेंटेंस हो गया आपका। देन शी विल नॉट, शी विल नॉट लर्न इंग्लिश, शी विल नॉट लर्न इंग्लिश, ओके। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंग्लिश, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं विल बी, बट आपको मालूम है कि जब हम विल बी का कोई नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो वो होता है विल नॉट बी, तो हम लिखेंगे इंग्लिश विल नॉट बी लर्नड, इंग्लिश विल नॉट बी लर्नड बाई क्या होगा, हर। रूल वही है, पहला रूल ऑब्जेक्ट लिखा हमने, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल नॉट बी का यूज़ करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, अदर वर्ड इसके अंदर है नहीं, पर अदर वर्ड होता तो हम अदर वर्ड लिखेंगे, देन बाई प्लस एजेंट का यूज़ करेंगे, बाई हर। हैव दे, क्वेश्चन हैव दे हेल्प यू, हैव दे हेल्प यू, ओके, हैव दे हेल्प यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है,
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और टेंस के रूल के हिसाब से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। पहला रूल है हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ओके, यू का रूल है यहाँ पर आपने देखा ऑब्जेक्ट है और उसमें हेल्पिंगर होगी कौन सी? हैव बीन। क्यों होगी? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट होने पर हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। यू के साथ क्या आता है? हैव बीन, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा हैव यू बीन, हैव यू बीन। अगला रूल क्या है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प, हैव यू बीन हेल्प बाई देम, हैव यू बीन हेल्प बाई देम। ओके, क्या अर्थ हुआ? क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की है? और इसका अर्थ हुआ क्या तुम्हारी मदद उनके द्वारा की गई है। यहाँ पर फोकस में है दे और यहाँ पर है यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसलिए आपने पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनाया, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। विल ही नॉट, विल ही नॉट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट? ओके, विल ही नॉट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट क्या होगा? यस, विल दिस प्रोजेक्ट, या क्या यूज करेंगे? नॉट। क्यों यूज़ किया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से शुरू में हेल्पिंगर लगाई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया? नॉट लगाया। रूल वही है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो क्या लगेगा? बी लगेगा। विल दिस प्रोजेक्ट नॉट बी, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टार्टेड बाई ही का क्या होगा? और क्वेश्चन मार्क, विल दिस प्रोजेक्ट नॉट बी स्टार्टेड बाई हिम? ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस का फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जा रहा है, और सेंटेंस का अगर अफर्मेटिव फॉर्म है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टेकन लंच, आई हैव नॉट टेकन लंच। ओके, अब इस सेंटेंस में देखें हम नेगेटिव है, क्या यूज़ करेंगे पहले? लंच। प्रेजेंट परफेक्ट का होने के कारण यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो हैज़ नॉट बीन मजा आएगा। मैन वर्ब यहाँ पर है टेक, पहले से थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी टेकन ही आएगा। ओके, लंच हैज़ नॉट बीन टेकन क्या यूज़ करेंगे? लंच हैज़ नॉट बीन टेकन बाई मी, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। डू यू प्ले क्रिकेट? इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बनेगा बताइए? इज क्रिकेट प्लेड बाई, एंड क्वेश्चन मार्क, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। सो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव सेंटेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसी के रूल के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए इसके अगले वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।